हमारे साथ मौजूद है ठाकुर जी महाराज समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, आपने कुछ दिन पहले से आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, नवाबगंज सराय में कोई जगह है, आप ठाकुर जी महाराज के प्रबंधक हैं, उसके नाते आपने दावा कराया किसी जमीन पर, क्या कहेंगे, क्या मामला है पूरा ये? सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सुधी श्रोताओं को अभिवादन करना चाहता हूँ और आपके प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहता हूँ कि सराय के बराबर में लगभग 300-350 गज का एक हमारा ठाकुर जी महाराज का नंबर है जो जिम्मेदारी क्षेत्र में आता है। नवाबगंज नगर में ठाकुर जी महाराज की जिम्मेदारी आज भी बदस्तूर जारी है। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया था, उसमें लिखा था कि 5 माहौल में से 4 माहौल हमारे हैं और एक माहौल जो है बसंती, उसका हमारा बंटवारा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता में समझ के लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया था, मेरी बात से सहमत थे, परंतु नवाबगंज के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भूमाफियाओं की मदद करने पर SDM नवाबगंज असहज हुए और कंस्ट्रक्शन जो है उन्हीं के सत्ता पक्ष के नेताओं के सहारे पर विधिवत जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्माण करा दिया, आपका कहने का मतलब ये है आप भी भारतीय जनता पार्टी में है, आप शिकायतें कर रहे हैं, दूसरा पक्ष मदद कर रहा है, उनके नाम लेना चाहेंगे, कौन लोग हैं इसके पीछे? नाम तो समाज सभी जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। बहरहाल उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ और इसकी प्रार्थना पत्र हमारे आयुक्त महोदय के यहाँ से, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से पड़े हुए हैं, जिसपे जांच जारी है। जिस जगह पे आप दावा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 100 साल से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपने कभी दावा नहीं करा, कोई शिकायत नहीं आपने करी, जब वो मकान जब उसके लिए ध्वस्त करा गया, उसका निर्माण फिर से दोबारा शुरू करने का प्रयास हुआ, आपने शिकायत कर दी, इससे पहले शिकायत क्यों नहीं करी, पहले करनी चाहिए थी आपको? कहीं ऐसा नहीं आप बेवजह उसमें अड़ंगा लगा रहे हो, किसी की जगह है उसमें आप ठाकुर जी महाराज के प्रबंधक हैं, उसके नाते, क्योंकि जगह है वो यहाँ पे नवाबगंज में काफी उनकी, उसके नाते आप विवाद करना चाह रहे हो? सचिन जी, आप प्रश्न को जितना लंबा करेंगे उतना लंबा होगा। आपने कभी अपने चैनल के माध्यम से मेरे अभिमत को सही तरीके से समाज में प्रस्तुत नहीं किया। श्री ठाकुर जी महाराज की जगह लोग उसमें रह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर ठाकुर जी महाराज की जगह में आप रह रहे हैं और रहने के बाद आप उसके मालिक बन के उसका विक्रय कर दें, ये कहां तक सही है? ठाकुर जी महाराज का जो एरिया है वो तो 200 बीघा है, उस 200 बीघा में तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी है, उनका भी आवास आ रहा है, तो उनको भी खाली करना चाहिए था, उसके दावा आपने क्यों नहीं करा कि ठाकुर जी महाराज के जो बैनामा है वो सून माना जाए, ठाकुर जी महाराज के अंडर में वो भी जगह आ जाए? ऐसा है, ये आपका भ्रमित प्रचार है। 200 बीघे जगह जो है उस जगह के अंदर लगभग 100-150 बीघे जगह तो सार्वजनिक इस्तेमाल हो रही है, जिसके अंदर स्कूल बने हैं, जिसके अंदर तहसील बनी है, जिसके अंदर थाने बने हैं, जिसके अंदर अस्पताल बने हैं, तो वो जगह इसमें थोड़ी, यहाँ 30-40 बीघे जगह है जिसमें नवाबगंज नगर की जनता रह रही है, तो हमें उस रहने से किसी किस्म का कोई गुरेज नहीं है। अगर वो जनता उस मकान को अपना मालिक होकर उसको बेचेगी और अगर कूटरचित दस्तावेज बना के उसे बेचेगी तो मुझे बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आप जो है ठाकुर जी महाराज की संपत्ति वाले मकान में रह रहे हैं, आपसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, आप रहिए या मत रहिए, हमने भी किसी से कोई आपत्ति नहीं करी, लेकिन जब आप उस जगह के स्वयं मालिक बनके कूटरचित दस्तावेज बना के उस जगह को विक्रय करेंगे तो मंदिर की जगह को आप कैसे बेच देंगे? ये भविष्य में एक मुकदमेदारी का बिंदु बनेगा, वही स्थिति इसके साथ है। इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक मोहम्मद याकूब पुत्र शेख फजलुल्लाह खंसारी, इनने जो है बरेली के 2 व्यक्तियों से बैनामा करवाया है, ना तो उन्हें बैनामा कराने का कोई हक था और उस बैनामे के आधार पर इनको याकूब को किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं मिल सकती, और याकूब के बाद इनकी पुत्री जो दिखा रहे हैं वो उन्हें पुत्री को भी कोई वसीयत नहीं मिल सकती। जब पुत्री को वसीयत नहीं मिल सकती तो इनके जो 5 भाई हैं, 5 बेटे हैं इनके पुत्री के आयशा बेगम के, उन्हें विरासत कैसे मिल सकती, उन्हें बेचने का कौन सा हक है? हमने उचित फोरम पे अपनी बात रखी है, प्रशासन संतुष्ट है, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ लोभी नेताओं के द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया गया है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं ना कि भाजपा के जो नेता हैं या के वो सत्ता लोभी नेता जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा इशारों में जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर देते, इससे लोगों को पता लग जाता है ऐसे लोग हैं पर्दे के पीछे। हम भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि इन भूमाफियाओं को सत्ता पक्ष नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएंगे, समाज उन्हें बेनकाब कर देगा। इस दौरान ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी को लगातार प्रलोभन दिया जा रहा है, लगातार उनसे संपर्क कराया जा रहा है कि आप शिकायतें ना करें और मामला यहीं पर रफा दफा हो जाए, ऐसा भी कुछ है? महोदय, हम शिकायत ही नहीं कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, हम ठाकुर जी महाराज की जमीन को लेके रहेंगे, जो रह रहा है उसे हम छेड़ेंगे नहीं, और जो ठाकुर जी महाराज की जमीन को बेच के धनार्जन करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। इसका उदाहरण याकूबपुर रोड पे मंदिर की दुकानें हैं, नवाबगंज में सब्जी मंडी है
और इसके अलावा जी आपकी सराय वाली मस्जिद के बराबर की जगह किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं है, और हम पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहे हैं और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें बाबा का बुलडोजर निश्चित चलेगा। यापुर वाली जो आप मंदिर वाली जगह की बात कर रहे हैं उसको लेकर आप लगभग कई मुझे लग रहा है 6-7 महीना जेल भी जा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर से आप कहीं ऐसे ही षड्यंत्र में फंस जाएं, आपको नहीं लग रहा है? आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आपके लोग विरोध में आ रहे हैं, इनका कब्जा है इस पे? षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करना काम है, वो षड्यंत्र करेंगे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, दोबारा जेल जाएंगे। सत्य को आज की कोई आवश्यकता नहीं है जब हम कागजों में मजबूत हैं। अब जिन षड्यंत्रकारियों ने हमें जेल भेजा आज वही फैसले के चक्कर काट रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो 4-5 साल से अपना लिए पड़े थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जजमेंट हमारे हक में हुआ है, अब उनकी चक्री कटी हुई है, मत कटी पड़ी है। तो षड्यंत्र में शामिल जो लोग हैं षड्यंत्रकारी में षड्यंत्र में फंस सकते हैं, वो बड़ी चीज थोड़ी है। हम अकेले आदमी हैं और जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं आर्थिक रूप से भी काफी समृद्ध हैं, प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं, जो लोग सत्ता में भी अपना दखल अलग रखते हैं, षड्यंत्र में फंस सकते हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी, दोबारा फंस सकते हैं, दोबारा फंस सकते हैं, इस फसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता में दखल तो आपका भी बहुत रहा है, आपके जो बेटा है वो तो लगातार मुझे लग रहा है यूपी के बड़े नेताओं से संपर्क है, और आप कह रहे हैं नगर स्तर के जो स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं जो भाजपा के वो लोग मदद कर रहे हैं, क्या पता अभिलेखों में? ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जो कागजात हैं जो अभिलेख हैं उसमें ठाकुर जी महाराज हैं या नहीं है, क्या बोल रहे हैं उसके जो कागजात हैं? हमारा जो भी संघर्ष है वो केवल कागजातों के आधार पर, हमारे पिताजी की संपत्ति नहीं है, ये ठाकुर जी महाराज की संपत्ति है, और ठाकुर जी महाराज के अभिलेखों में स्पष्ट रिकॉर्ड है, शत प्रतिशत रिकॉर्ड है, तभी हमने कदम को अगले बढ़ाया है। अगर शत प्रतिशत रिकॉर्ड नहीं होता तो हमारा किसी को अनावश्यक परेशान करने का कोई इरादा नहीं रहता है। शत प्रतिशत ठाकुर जी महाराज का रिकॉर्ड है, जो भी उनके बैनामे हैं, जो भी उनका पूर्व के बैनामे हैं, वो सब कुटरचित है, वो एक षड्यंत्र में है। बहुत जल्दी मुझे तो उम्मीद है उप जिलाधिकारी महोदय की यहाँ जो जांच पेंडिंग है, शायद सत्ता पक्ष के दबाव में ही जांच पेंडिंग है, जांच आते ही ये लोग बेनकाब हो जाएंगे, और अगर नहीं जांच आती है तो हम हाईकोर्ट अभी होके आए, उस पर इंतजाम करे आए। जी हाँ, आज ही हम लौट के आए सुबह अभी 5 बजे नौचंदी ट्रेन से हमने वापसी करी है। लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि ये जगह हमने जिनसे खरीदी है वो बरेली के लोग हैं, उनसे हमने बैनामा कराया है, और आप हैं प्रेम प्रकाश रसोगी जी हैं जो बेवजह इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं, बेवजह इसमें दखल पैदा कर रहे हैं, उनकी बात आप ठीक नहीं मानते? मुझे नवाबगंज नगर के इन भूमाफियाओं की मानसिकता पर तरस आता है। इस जगह के कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बरेली वालों को इन्होंने करोड़ों रुपए दे दिए, और इसके बाद उनसे रुपए वसूलने की नहीं सोच रहे हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ठाकुर जी महाराज की जगह को हम बेच रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार करने को राजी नहीं है, लेकिन प्रेम प्रकाश रस्तोगी को कलंकित करने को राजी है, जैसे कलंक का सर्टिफिकेट वही हमें देंगे। ये गारंटी है कि ये जगह खरीदने वाले लोग कलंकित होंगे, बेनकाब होंगे, और बहुत जल्दी इसमें बाबा का बुलडोजर चलेगा। इस दौरान ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी ने यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो हिंदू संगठन है उन सबके लिए पत्र के माध्यम से मदद की, इसमें मांग करी थी कि हम लोगों की मदद करें आप, क्योंकि ये ठाकुर जी महाराज की जगह है, आपका जो दावा है वो मैं बता रहा हूँ, ये बात ठीक है क्या? जी हाँ, मैंने सब लोगों से मांग करी है, क्षेत्रीय विधायक जी से भी मांग करी है, चेयरमैन पति से भी मांग करी है, संघ के स्वयंसेवकों से भी मांग करी है, मैंने विश्व हिंदू परिषद से भी करी है, हिंदू जागरण मंच से भी करी है, और नेताओं से भी मैंने मांग करी है, बद्धवत पत्र जारी किया है व्हाट्सएप पे सबके। किसी ने मदद करी आपकी? बातचीत सारे लोगों से जारी है, मैं आवश्यक काम से हाईकोर्ट गया था क्योंकि प्रशासन की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है, अब 1-2 दिन के अंदर मीटिंग होने वाली है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है आपको लग रहा है? बुलडोजर निश्चित चलना है इस पे, और जितने भी जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो लोग बेनकाब होंगे ये निर्माण करके या मेरी आवाज को दाब के या जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके दबाव में प्रशासन पे अपनी पैड बना के, हो सकता है आज मंसूबे पूरे करने में कामयाब हो गए हूँ, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब निश्चित नहीं होंगे, उन्हें बहुत कुठाराघात होगा, और जो सत्ता पक्ष के लोग मदद करने वाले वो भी बेनकाब होंगे। आप प्रशासन और सत्ता पक्ष दोनों पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या पता आप गलत हो, वो ठीक हो? जिम्मेवारी के साथ मैं इस चीज को कह रहा हूँ, अगर मेरी जिम्मेवारी नहीं है तो जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया है और ठाकुर जी महाराज को दिया है, डीएम को प्रार्थना पत्र जो मैंने दिया है उसमें मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि अगर मैं गलत हूं तो सार्वजनिक माफी भी मांगूंगा, और जो दंड आप निर्धारित करेंगे वो दंड भी दूंगा, ये मैंने लिखा है प्रार्थना पत्र में, मैं आपको प्रार्थना पत्र दिखा सकता हूं। और इसके बावजूद भी अगर प्रशासन के ऊपर जूनी रोंग रही है तो प्रशासन अंतिम नहीं है, प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका भी है, उसकी मैं व्यवस्था करके आया हूँ। लेकिन वहां पे अगर प्रशासन ने गलत जांच देने का कोशिश करी सत्ता के दबाव में या भूमाफिया के दबाव में, तो उसकी निश्चित मजिस्ट्रेट जांच होगी और उसकी मैं व्यवस्था हाईकोर्ट करके आया। आपका कहने का मतलब है सत्ता और भूमाफिया दोनों मिल गए, आपका कहने का मतलब ये है?
मेरे कहने का मतलब आप निकालिए, मेरे कहने का मतलब इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता इन भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं। और प्रदेश स्तर पर मैं शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष जी से समय मांगा है मैंने, और समय मांगने पर मैं लखनऊ जाके स्वयं इन नेताओं की शिकायत करूंगा, और रामलीला वाला जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के भी कागजात लेके जाऊंगा और शिकायत करूंगा कि योगी की सरकार में जहां अवैध कब्जे भूमाफियाओं को शहर से खदेड़ा जा रहा है, नवाबगंज की सत्ता उन लोगों को संरक्षण दे रही है, निश्चित शिकायत करूंगा। नगर पालिका तो लगातार नोटिस भेज रही है। जब मैंने नगर पालिका परिषद को पत्र लिखा है और समस्त दस्तावेजों सहित पत्र लिखा है, 563 का वो रकबा है, मैंने खसरे की भी फोटो स्टेट दी है, 563 के रकबे में इन 5 जमींदारों के अलावा सिंगल आदमी भी इस जगह का मालिक नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 563 नंबर इन 5 जमींदारों का है, तो तीसरा आदमी कहां से इसमें इन्वॉल्व हो गया? 5 जमींदार के अलावा कोई है ही नहीं इनके, इसके अलावा खसरा मेरे पास रखा हुआ है, आप अगर देखना चाहें आप देख ले। सब्जी मंडी में भी आपने दावा करा, उसमें स्टे भी मिल गया आपको, लेकिन यहाँ तो निर्माण चल रहा है। मुझे कोई स्टे नहीं मिला, उन लोगों ने 6C का स्टे लिया था, सब्जी वालों को खदेड़ने का पूरा प्रयास किया था, सब्जी वालों को हटाने का इंतजाम कर दिया था, पुलिस के पैसे जमा हो गए थे, प्रशासन ने भी मन बना लिया था हमें अदालत की कंप्लेंस करनी है। जब हमने प्रशासन को और अदालत को अपना पक्ष दिया तो अदालत ने अपना निर्णय वापस लिया है, वो निर्णय में भी जगह उन लोगों की नहीं है, उनके बयानामे कूट रखे थे, गलत है। लाल सराय वाले मसले में निर्माण चल रहा है, या तो वो सही है तब वो निर्माण करवा रहे हैं, अगर आप सही है तो आप क्या करेंगे? हम तो नवाबगंज प्रशासन की जांच के इंतजार में, वो जांच क्या देते हैं, हमें उम्मीद है 99% जांच हमारे हक में आनी है, 100% हमारे हक में आनी है, और अगर हमारे हक में जांच नहीं आई तो हम इसकी मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे। अगर स्थानीय प्रशासन ने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया, स्वेच्छाचारिता करके जांच दी, तो हम स्थानीय प्रशासन का ही विरोध करेंगे और उस पर बुलडोजर निश्चित चलेगा, इसको कोई बचाने वाला है ही नहीं। जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूँ, ये योगी का राज है, जब तक असलियत सामने नहीं आ जाती है तब तक ये लोग अपने खुश हो लें। और मैं नवाबगंज की जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा, इन भूमाफियाओं के बहकावे में ना आए, साफ सुथरी जगह को खरीदें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की जगह खरीदने की कोशिश न करें।